नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज टेक। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 4984 में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आज हम आपको उसमें से बताने वाले हैं डायमेंशन टेस्ट। सारे डायमेंशन मैं आज आपको बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चेक करते हैं ब्लू स्ट्रिप, कितनी ब्लू स्ट्रिप हैं हमारी। तो सबसे पहले एक नंबर, दो ब्लू स्ट्रिप, और ये है तीन ब्लू स्ट्रिप, और ये है नंबर फोर। तो इस पाइप में टोटल नंबर आप स्ट्रिप हैं फोर। दोस्तों, मिनिमम हमारी थ्री ब्लू स्ट्रिप होने चाहिए। रिक्वायरमेंट जो HDFE की है वो मिनिमम थ्री है, मिनिमम थ्री ब्लू स्ट्रिप। थ्री से ऊपर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन कितनी भी हो सकती हैं, बट मिनिमम थ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ब्लू स्ट्रिप विर्थ। तो ब्लू स्ट्रिप विर्थ मिनिमम होनी चाहिए 3 mm। इसकी जो विर्थ है दोस्तों, मिनिमम 3 mm होनी चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं इसकी कितनी ब्लू स्ट्रिप आ रही है विर्थ। तो पहली इसकी विर्थ आ रही है 6.28। तो ये पहला स्ट्रिप विर्थ मिल गया हमको। दूसरी स्ट्रिप से चेक कर लेते हैं, दूसरी है 5.82, दूसरी स्ट्रिप का विर्थ मिल गया हमको। अभी तीसरी स्ट्रिप का विर्थ चेक कर लेते हैं, ये है 6.04। तो दोस्तों, जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है वो है 5.82, तो इसका वैल्यू हो गया 5.82, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू हमें लेना होता है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट ब्लू स्ट्रिप डेप्थ के लिए हमें चाहिए एक स्क्वायर शेप में सैंपल। सैंपल लेने के बाद दोस्तों, हम इसको रख देते हैं अपना माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे वर्टिकल पोजीशन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। वर्टिकल पोजीशन में रखने के बाद जो माइक्रोस्कोप हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है एक कंप्यूटर से, जैसे हम इसको नीचे रखेंगे तो कंप्यूटर में हमारा जूम होके ये दिखाई देगा कुछ इस तरह। और इसके बाद हम इसको कर लेंगे मेजर, जो कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है हमारा मेजरिंग स्केल। और मेजरिंग स्केल से इसको मेजर करने के बाद हमारी जो वैल्यू, पहली है 0.137, दूसरी 0.159, तीसरी है 0.159। तो ये तीन वैल्यू हमें मिली है। तो दोस्तों, इसका जो वैल्यू होता है मिनिमम 2 होना चाहिए। अगर हमारा पाइप का वाल थिकनेस 10 mm या उससे नीचे है तो हमारी जो वैल्यू है मैक्सिमम 0.2 mm आनी चाहिए। और अगर हमारा पाइप का वाल थिकनेस 10 mm से ज़्यादा है, 0.5 mm आनी चाहिए जो ब्लू स्ट्रिप डेप्थ है। 0.2 10 mm से नीचे वाले वाल थिकनेस के पाइप के लिए, और 0.5 mm 10 mm से ऊपर वाली वाल थिकनेस के पाइप के लिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं स्क्वायरनेस, स्क्वायरनेस कैसे चेक करना है। सबसे पहले हमने ले लिया एक 90° एंगल, इसको पाइप के ऊपर जो हमारा पाइप का एंड रहेगा कटिंग का, वहाँ पे रख देंगे। ये हमारा है फिलर गेज। दोस्तों, ये फिलर गेज जो होता है, इसमें कई सारे गेज होते हैं, 0.05 mm, 0.10, 0.15, 0.20, ऐसे करके धीरे धीरे करके ये इसका जो गेज दिख रहा है ये बढ़ता जाता है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। दोस्तों, स्क्वायरनेस में जो हमारा पाइप का कटिंग होता है वो चारों तरफ से बराबर कटिंग होना चाहिए, कहीं पे भी ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ऊपर नीचे होगा वहाँ पे हमें स्क्वायरनेस मिलेगा, जिसकी एक लिमिट होती है। तो इसमें हमारा ये एक गेज जा रहा है सबसे छोटा वाला, जो है 0.05 mm का। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ 0.05 mm, ये गेज हमारा जा रहा है एक। तो दोस्तों, इसका स्क्वायरनेस जो था वो 0.05 था। अभी हम दूसरा देखते हैं। दोस्तों, ये जब एंगल हमें रखना है तो इस एंगल में पाइप के पैरेलल में गैप नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसमें हमारा दो गेज जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक 0.05 का है, एक 0.10 का है, टोटल हो गया 0.15। अभी इसमें और भी गैप है,
तो हम दूसरा गेज चेक करते हैं, ये गेज भी हमारा जा रहा है जो कि 0.20 का है, तो इसका जो स्क्वायरनेस है वो है 0.20। तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आउटर डाया, आउटर डायामीटर जो कि हमें लेना है पाई टेप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है आउटर डाया, इसका आ रहा है 110.3। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको जूम करके। तो दोस्तों हमारी जो वैल्यू आ रही है 110, तो ये हमारा आ गया 110 प्लस में हमारी जो दूसरी वैल्यू आ रही है दूसरी स्केल में, ये हमारी है 0.3। ये 3 में लाइन मैच कर रही है तो 0.3, तो ये हो गया 110 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 110.3। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है वो आ रहा है 110 आ रहा है हमारा इधर, तो 110 अभी ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है 0.2 पे, तो 110 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 110.2। दोस्तों नेक्स्ट हम चेक करते हैं वाल थिकनेस, जिसके लिए हमें चाहिए माइक्रोमीटर जिसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हमारी पहली वैल्यू जो आ रही है नेक्स्ट दूसरी वैल्यू हमारी है 8.414। उसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 8.396। नेक्स्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं 8.37। उसके बाद 8.35। उसके बाद है 8.38। और लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं 8.39। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ ओवलिटी, जिसको राउंडनेस भी बोलते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये हमें 90° एक्सिस पे लेना है सीधा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ रही है 109.16। तो हमारी जो एक वैल्यू आई है 90° एक्सिस पे 109.16। दोस्तों अब हमें लेना है दूसरी वैल्यू, इसको घुमा के दूसरे एक्सिस से लेना है, 90° एक्सिस पे इसको घुमाएंगे। अभी हम यहाँ से इसकी दूसरी वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों दूसरी वैल्यू भी हमें मिल गई है अभी, जो हमारी आ रही है 110.27। तो दोनों वैल्यू मिल गई हमें, 100 पहली हमारी मिली 110.16, दूसरी मिली 110.27। तो हमने 90° एक्सिस पर लिया है, इससे हमें पता चला कि हमारा पाइप कितना ओवल है। तो इसको हम करेंगे अब कैलकुलेशन, इसको माइनस कर देंगे 110.27 माइनस 109.16 इक्वल टू हमारा आया 1.11। ये हमारा आया पाइप का ओवलिटी, जिसको हम बोलते हैं राउंडनेस और ओवलिटी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, अपना ही चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।